ये पंजाब नेशनल बैंक की हिमाचल की सबसे पुरानी ब्रांच है। इस ब्रांच की ओपनिंग 9 मई 1924 को हुई थी। तो ये ब्रांच दो प्रेमाइसिस से चल रही थी जिसमें कस्टमर्स को काफ़ी असुविधा हो रही थी। तो उसको देखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि इस ब्रांच को एक ही प्रेमाइस में किया जाए और इसका सौंदर्यकरण किया गया है। अब कस्टमरों को अपने लिए भी काफ़ी स्पेस मिलेगा, कस्टमरों को बैठने के लिए भी इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस है। इस ब्रांच का बहुत ही ग्लोरियस हिस्ट्री रही है और इसका जो बिजनेस है आज के दिन 1300 करोड़ से ऊपर है। आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि ये ब्रांच और अधिक ऊंचाइयां छुएंगी और इसका बिजनेस और बढ़ेगा। यहाँ आज काफ़ी ग्राहक भी आए हुए थे तो हर एक ग्राहक ने यहाँ की जो कस्टमर सर्विस है उसकी बहुत प्रेज की और सारे कस्टमर सेटिस्फाई हैं। सभी कस्टमर्स ने ये प्रॉमिस भी किया है कि हम यहाँ का बिजनेस बढ़ाने में बहुत कंट्रीब्यूट करेंगे और जो ये ब्रांच का सौंदर्यकरण हुआ इससे भी जो माल रोड जो हिमाचल का सबसे प्रेस्टिजियस रोड है जहाँ सारे सैलानी भी आते हैं तो इससे यहाँ का जो बिजनेस ये करने से सौंदर्यकरण करने से काफ़ी इंक्रीज होगा और पीएनबी का नाम भी आगे बढ़ेगा। कई जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी ब्रांच 100 साल पूरा करती है तो वो अपने आप में इस चीज़ का प्रमाण है कि वहाँ के कस्टमर्स का योगदान काफ़ी रहा है। तो यहाँ पर जो कस्टमर्स आए कई ऐसे कस्टमर्स थे जो काफ़ी जनरेशन से, क्योंकि 100 साल में 4-5 जनरेशन चेंज हो जाती हैं तो कई कस्टमर्स ऐसे थे जो जनरेशन से काम कर रहे थे और कुछ कस्टमर्स 40-50 साल पुराने थे। वो सभी ने जो एक्सपीरियंस शेयर किए उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छे उनके एक्सपीरियंस हैं और पंजाब नेशनल बैंक अब जो डिजिटलाइजेशन की तरफ बहुत आगे बढ़ा है तो उसकी भी सबने प्रेज की, हमारे जो पीएनबी वन की बहुत प्रेज की और सारे कस्टमर्स बहुत सेटिस्फाइड हैं अपनी ये बैंक की सर्विसेज देख के और उन्होंने कहा है कि हम और नए कस्टमर भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।